तो पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट है आज नंदीग्राम, वहां पर भी आज मतदान हो रहा है और अब तक लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे से ज्यादा, 7 बजे मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। और जो बड़ी खबर है वो डेबरा से हमें मिल रही है, जहां पर मतदान के दौरान भारी हंगामा हो रहा है, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच वहां पर झड़प की जानकारी मिल रही है। तो सबसे ज्यादा जो हंगामा हो रहा है वो डेबरा सीट पर हो रहा है, वहां पर मतदान के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। भारती घोष वहां पर गुंडे लेकर आई हैं, ये इस तरह के आरोप टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं। ये टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच की झड़प की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आप ये देख रहे हैं वहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, टीएमसी कार्यकर्ता हैं, आपस में भिड़े हुए हैं। पुलिस भी वहां पर बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप देख रहे हैं लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है, और वहां पर जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार इनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हंगामा हुआ है। ये डेबरा सीट जो कि पश्चिम मिदनापुर में पड़ती है, और ये देखिए आप डेबरा पर ये किस तरह से हंगामा जारी। আমাকে তৃণমূলের লোক অভিযোগ করেছে, আমি পোলিং এজেন্টের ফর্ম দিতে গিয়েছিলাম, ফর্ম দিয়ে ফিরে আসার পথে রাস্তার উপরে আমাকে আরো আটক করেছে যে আমি নাকি ভোট লুট করতে এসেছি, সেই জন্য ওরা मैंने बोल रही हूँ 100 मीटर ऑल तरफ खाली करना है। और हमने जो सुना है, जिस कंप्लेन के लिए हमने आए हैं कि यहाँ एक जोटला हो रहा है और जो भी वोटर उस तरफ से आ रहा है उनको पकड़ के वहाँ इन्फ्लुएंस करके फिर उनको यहाँ भेज रहा है भाई दिखा के, और वहाँ खड़ा रहता है, वो आके वोट दे के जाएगा और पूछेगा कहाँ वोट दिया, ये तो होना नहीं चाहिए ना। तो हमने जब घुसा तब देखा ये लुंगी बाहिनी यहाँ से भाग रहा है, आप भी देखा होगा। तो अभी यहाँ पर जय आया तभी भी जटला है, अभी हम सीआरपीएफ से बात करेंगे कि 100 मीटर रेडियस किसको बोलते हैं, सारे चारों तरफ बोलते हैं, एक तरफ नहीं। तो आप देख रहे हैं डेबरा सीट पर यह हंगामा जारी है बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच, और हम अपडेट लेंगे अपने संवाददाता। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।